फरीदाबाद के सेक्टर 16 सर्किट हाउस के सामने बारिश की वजह से फैली अव्यवस्थाओं को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुमित गौड़ ने जलभराव के बीच नाव चलाकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। इसी दौरान बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी हुई। लगातार हो रही बारिश की वजह से फरीदाबाद के अधिकांश हिस्से जलभराव के चलते अव्यवस्थाओं का शिकार है। इसे लेकर कांग्रेस नेता सुमित गौड़ ने भाजपा सरकार को सेक्टर 16 स्थित सर्किट हाउस के सामने जलभराव के बीच नाव चलाकर अव्यवस्थाओं को लेकर आईना दिखाया। कांग्रेस नेता सुमित गौड़ ने आरोप लगाया कि पार्टी के नेता अपने कार्यालयों में बैठकर समोसे और पकौड़े खा रहे हैं, आम जनता को परेशानी हो रही है। समय रहते सरकार ने कोई भी व्यापक इंतजाम नहीं किए, जिसकी वजह से आज फरीदाबाद अव्यवस्थाओं का शिकार है। ये आप अभी तो खड़े हो पा रहे हैं, यहाँ पे आप खड़े नहीं हो पाएंगे। इतना पानी होता है कि स्टिल द थाइस, यहाँ तक आमने सामने में कितनी बार देखा है, कोई कुछ ना कुछ, कोई साइकिल वाला गिर रहा होता है, कुछ हो रहा होता है। अभी तो आप बता रहे हो एक डेथ के बारे में, मैं हज़ार बार बोल चुकी हूँ, अनरिपोर्टेड डेथ केसेस या फिर इंजरी केसेस या फिर जो गाड़ियों का नुकसान रहता है यहाँ पे, इसमें अनगिनत है। हर बार आप कुछ भी ले जाओगे 100% होगा। लोग एज अ लोकल रेजिडेंट, मुझे हमारे घर में पानी, बिजली, अब दूध, आपका न्यूज़पेपर, सब कुछ कुछ भी नहीं आएगा। हर कोई डरता है यहाँ आने से, क्योंकि यहाँ पर आपको बचाने वाला भी कोई नहीं निकलने वाला। एंड यहाँ पर रात को कोई लाइट नहीं रहती, देर इज़ नो प्रोविजन। हम दो तीन दिन अंदर ही घर में रहते हैं, क्योंकि हम वेट करते हैं कि और नेचुरली निकल जाएगा पानी। तो बारिश का तो मज़ा कम ही लेते हैं, बारिश की आती है तो वह हम ज़्यादा ये टेंशन में आ जाते हैं। अब ना तो बाहर निकल पाएंगे ना अंदर निकल पाएंगे, हम मज़े तो नहीं ले सकते, हम सूरज का इंतजार कर रहे होते हैं। तो मैंने कहा यही एक अवसर है एक आवाज़ उठाने का, प्लीज़ देखिए हर चीज़ का सोल्यूशन होता है। इसका सोल्यूशन क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं? देखिए, मैंने प्रयास किया है, पिछले साल भी प्रयास किया था। हम यूपी से 700 किलोमीटर दूर से नाव ट्रक में लेके आते हैं। हम इस नाव को चलाए सोई गूंगी भरी बीजेपी सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं, जिन्होंने स्मार्ट सिटी के नाम पर फरीदाबाद का बेड़ा गर्क कर दिया है। इस फरीदाबाद की हालत आप देख रहे हैं, एक दिन की बारिश में क्या हाल हो चुका है, गाड़ियां ख़राब हो चुकी हैं, लोगों की मेरी नंबर प्लेट तक उखड़ चुकी है। ये सभी चीज़ों पर आज हम बात करें, चाहे वो महंगाई हो, पेट्रोल डीजल हो, चाहे दाल हो, हर चीज़ में ये सरकार फेल है। अपने जो उन्होंने प्रोमिसज किए थे बिफोर इलेक्शन 2014, उन सभी में फेल हैं, जुमलेबाज वाली सरकार है। तो इस बीजेपी में इस आपके माध्यम से बीजेपी सरकार के सभी नेताओं को चेतावनी देने आया हूँ कि इस व्यथा को सुधार करें, अधिकारियों के साथ काम पर निकलें, घरों में चाय पकौड़े और समोसे खाना बंद कर दें, जनता हित की सोच, क्योंकि जनता अब जाग चुकी है। हमारे जैसे लोग, लोकल परमानेंट लोग आ चुके हैं सड़कों पर, और अब वो दिन दूर नहीं, अगले चुनावों में चाहे आप जाति धर्मों के नाम पर बहकाना, चाहे किसी नाम पर, जनता आपको छोड़ने वाली नहीं है। और ये प्रयास मैं तो करता है और आगे भी करता रहूंगा। प्रीमियम क्वालिटी सम्राट केसरी सुपारी, जिसके जायके में है सुगंध और भरपूर ताजगी का एहसास।